अब हिंदुस्तान बदल चुका है। हाँ, भारत अब बदल चुका है और ये बात दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाने वाला अमेरिका भी अच्छे से समझ ले। माना कि मेहमानों की आओ भगत हमारी संस्कृति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो कह दो वो पत्थर की लकीर। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा मंत्री जिम मैटिस भारत आ रहे हैं। इन दोनों का आदर सत्कार है, लेकिन अगर इनकी नजर रूस और ईरान से चल रही हमारी दोस्ती पर है तो अपनी नीयत को ये जरा दुरुस्त कर लें। अमेरिका से 2+2 डायलॉग से पहले ही भारत ने ट्रंप सरकार को चेता दिया है कि वो रूस के साथ चल रही अपनी 6 अरब डॉलर की डिफेंस डील से पीछे हटने वाला नहीं है। रूस से S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद होगी और होकर रहेगी। ईरान से भारत तेल का आयात कर रहा है और करता रहेगा। अगर अमेरिका ऐसी किसी भी डील पर कोई प्रतिबंध लगाने का मन बना रहा है तो वो पहले भारत के साथ अपने रणनीतिक संबंधों के स्तर को समझ ले, क्योंकि ना हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिला करके बात करेंगे। अमेरिका जान ले कि भारत में अब 70 साल तक राज करने वाली वो सरकार नहीं है, इसलिए अपनी गीदड़ भभकियां दूसरे देशों के लिए संभाल कर रख ले।